Welcome back once again in Bright Avishkar. This is Rakesh Kumar from Bright Avishkar. And dear friends, आज की इस वीडियो में have to, has to और have to का use हम कहाँ करते हैं और इनका मतलब क्या होता है और किस लिए हम इनको use में लाते हैं, इसके वीडियो के अंदर हम एक brief तरीके से एक अच्छे concept के साथ इन have to, has to और have to के सभी uses को समझने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, have to और has to का use कहाँ होता है, सिंपल से आप एक बात को माइंड में बैठा दीजिए। जब भी कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, यानी हमें कोई काम करने के लिए मजबूर होते हैं, जब भी कोई काम हम मजबूरी में करते हैं तब हम have to का यूज़ करते हैं। यानी have to और has to का हम तब ही यूज़ करते हैं जब भी हम कोई काम मजबूरी में करते तब हम किसका यूज़ करते हैं, have to या has to का यूज़ करते हैं। अब मजबूरी कब होती है, जब बिना इंटरेस्ट के कोई काम हमें करना पड़ता है किसी भी मजबूरी के कारण, जैसे हमें पैसे कमाने ही पड़ते हैं, वी हैव टू अर्न मनी बोलेंगे, इस तरीके से हमें कुछ काम करना ही पड़ता है, मुझे जाना ही है। यानी कभी भी कुछ काम बिना इंटरेस्ट के हम करते हैं या करना पड़ता है हमें, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव टू। बचपन में आप सभी ने एक डायलॉग सही तरीके से याद भी किया होगा कि जब भी हमें कोई पूछता था कि डियर फ्रेंड्स मजबूरी का नाम क्या है, हम बोलते थे महात्मा गांधी। तो आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि महात्मा गांधी जी को आप बख्श लें, आज के बाद जब भी कभी आपको कोई पूछे कि मजबूरी का नाम, तब आप उसको क्या बोले, कंपल्शन। क्या बोले, कंपल्शन। जी हाँ, कंपल्शन को ही मजबूरी कहा जाता है। कंपल्शन का मतलब क्या होता है, मजबूरी। यानी ऐसी मजबूरी जब हमें कोई काम करने की मजबूरी होती, जैसे पैसे कमाने ही पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, खाना खाना ही पड़ता है, यानी नहाना ही पड़ता है, या हम इस तरीके के और भी बहुत सारे वाक्य कह सकते हैं, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, मम्मी मुझे सोने ही नहीं देती, 4 बजते ही मेरे को अलार्म तो बजे तो उसको ऑफ कर दूं, लेकिन मम्मी की जो अलार्म आती है, जो मम्मी की आवाज मेरे कानों में गूंजती है, वो मुझे सोने उठने पे मजबूर करती है, यानी मैं मजबूर हो जाता हूं और मैं उठ जाता हूं। तो इस तरीके के जब भी वाक्य आपको अपने डेली लाइफ में कहने पड़े, तब आप हैव टू और हैज टू का यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी काम आप फोर्सफुली वैसे कर रहे हैं, तब आप हैव टू और हैज टू का यूज करके अपनी कंपल्शन, अपनी उस मजबूरी के बारे में इंग्लिश के अंदर आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं। अब हम हैव टू और हैज टू का कहां यूज करते हैं, वी यूज हैव टू को हम कहां कहां से यूज करते हैं, जब भी कभी आई की बात हो, वी की बात हो, यू और दे, यानी आई वी यू दे सब्जेक्ट, जब भी इनकी बात हो उनके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हैव टू यूज करते हैं। लेकिन जब भी कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो, जैसे ही, शी, इट, नेम के साथ जब भी कोई बात हो, तब हम किसका यूज करते हैं, हैज टू का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हैज टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, एक स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको समझना चाहें, तो ये स्ट्रक्चर आपके पास ऐसे है कि कोई भी सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनी, हैव टू और हैज टू एक मॉडल के तरह भी काम करते हैं। तो इनको आप किसी को भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज में ला सकते हैं। अगर हम आई वी यू दे की बात करें तो हैव टू यूज कीजिए, अगर ही शी इट नेम की बात करें तो हैज टू यूज कीजिए। उसके बाद यानी एक्शन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी एक्शन है जिसका नाम हमने रखा है, उसकी आप फर्स्ट फॉर्म यूज करके आप किसी भी बात को अगर मजबूर होते हैं करने में, तो आप कह सकते हैं, जैसे मुझे सर सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है, मुझे ब्रश करना ही पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ती है। इस तरीके के जब भी हम वाक्य अपने डेली लाइफ में कहते हैं, तब हम हैव टू का यूज करें और हैज टू का यूज करके हम उस कंपल्शन के बारे में, जिस काम को करने में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, इन फोर्सफुली हमें इसे कोई करवाता है या हमें करना ही पड़ता है मजबूरी के कारण, उसको बताने के लिए हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये कंसेप्ट सही तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ ट्रिकी वे और देखते हैं और एग्जांपल्स भी देखते हैं ताकि शानदार तरीके से हमें यह समझ में आ जाए। जैसे आई हैव टू गेट अप अर्ली, यानी मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, यू हैव टू अटेंड क्लास, सर क्या करें हमें क्लास अटेंड करनी ही पड़ती है, मैं कहूँगा आपको तो क्लास अटेंड करनी ही पड़ती है, यू हैव टू अटेंड क्लास, सर हम सभी को इंग्लिश सीखनी ही पड़ती है, आप जैसे पता ही आप सबको आज के ज़माने में इंग्लिश बैकबोन होगी, ये हमारे लिए एक मजबूरी बन गई, इंग्लिश सीखनी ही पड़ती, तब आप कहेंगे वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्या कहेंगे आप, वी हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आप कहेंगे सर उन लोगों को देर रात तक पढ़ना पड़ता है, देर रात तक पढ़ने को कहते हैं बर्न मिडनाइट ऑयल, एक idiom है इसको हम यूज करेंगे, दे हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी उनको देर रात तक पढ़ना ही पड़ता है। उसके बाद उस लड़के को, यानी उसकी बीवी तो सोई रहती है सुबह, लेकिन उस लड़के को ब्रेकफास्ट बेचारे को प्रिपेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऑफिस जाना होता है, उसको ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ता है, आप कहेंगे ही हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, क्या कहेंगे आप, ही हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अच्छा, उस लड़की को क्लास के अंदर ध्यान देना ही पड़ता है, तो आप कहेंगे सर शी has to pay attention in class, यानी उसकी मजबूरी है, उसको क्लास के अंदर ध्यान पूरा देना ही पड़ता है, तो आप कहेंगे she has to pay attention in class। अच्छा, मेरे भाई को क्या करना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है, bargaining कहते हैं इसको, my brother has to bargaining, क्या कहेंगे, my brother has to bargaining, यानी मेरे भाई को मोल भाव करना पड़ता है, बिजनेस मैन है, कभी 10 रुपए ऊपर कभी 10 रुपए नीचे, यानी मोल भाव करके वो अपने सेलिंग करता है, अपने जो प्राइस में जो प्रोडक्ट्स होता है उनको सेल करता है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, जो भी कभी कंपल्शन के अंदर मजबूरी हो, तो इस तरीके के वाक्य हैव टू और हैज टू की हेल्प से हम बता
बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रिक देखते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर से हम इस अच्छे तरीके से इस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, डू यू के बाद आप वी कब यूज़ कर सकते हैं, दे कब यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हैव टू और एक्शन क्या यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको किसी को पूछना है कि हाँ ये आपकी मजबूरी, आप मुझे पूछेंगे सर डू यू हैव टू टीच अस, क्या आपको हमें पढ़ाना ही पड़ता है, क्या मैं बोलूँ यस आई हैव टू टीच यू। अगर हमें पढ़ाना पड़ता है वी हैव टू टीच देम, अगर उन लोगों को पढ़ाना पड़ता है दे हैव टू टीच अस, यानी हमें उन लोगों को हमें पढ़ाना पड़ता है दे हैव टू टीच अस। अगर नहीं पढ़ाना पड़ता तो डू के सर नॉट लगने से डोंट पढ़ जाए दे डोंट हैव टू टीच अस, यानी उन लोगों को हमें नहीं पढ़ाना पड़ता। तो इस तरीके के वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, डू दे हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। अब पे कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क देना, यानी टोल टैक्स। जब भी हम एक बाउंड्री, एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर आते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, यानी सीमा शुल्क देना पड़ता है, उसको कहते हैं पे कस्टम ड्यूटी। आप कहोगे सर क्या उन लोगों को सीमा शुल्क देना पड़ता है क्या, डू दे हैव टू पे कस्टम ड्यूटी, क्या कहेंगे आप डू दे हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। आप कहोगे यस सर उन लोगों को सीमा शुल्क देना पड़ता है तो दे हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। अगर नहीं देना पड़ता डू के साथ नॉट लगने से डोंट बन जाता है, आप कहेंगे नो सर दे डोंट हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। अगर हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करनी हो, ही शी इट या किसी नेम की बात करनी हो, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर डज ही या शी हैव टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें क्या रखें, जब भी हम आंसर हाँ में दे रहे हैं, एफर्मेटिव में दे रहे हैं, तब हमेशा हैज़ टू ही यूज़ आता, कभी भी हैव टू यूज़ नहीं आता, हमने पहले ही पढ़ा है। क्योंकि हम पहले वाले वाक्य में हमने डज के साथ में डू के बाद ई एस लगने से डज बनता, हमने इसमें एस और ई एस का यूज़ कर दिया था, लेकिन एफर्मेटिव के अंदर हम हैज़ टू का ही यूज़ करेंगे। अगर मना करना हो तो डज के साथ नॉट लगने के बाद हम हैव टू का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, डज ही हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी उसको यातायात नियमों के पालन करना पड़ता है क्या, यातायात नियमों का पालन करना पड़ता है क्या, यस ही has to follow traffic rules, यानी उस लड़के को यातायात नियमों का पालन करना ही पड़ता है, उसकी मजबूरी है, नहीं तो उसको फाइन लगेगा। उसके बाद अगर नहीं करना पड़ता तो he does not have to follow traffic rules, आप क्या कहेंगे कि उस लड़के को यातायात नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, तो आप इस तरीके से कहेंगे कि he does not have to follow traffic rules, यानी उस लड़के को यातायात नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अगर पास्ट के अंदर भी कोई कंपल्शन हो हमारी, यानी पास्ट में कोई हमारी मजबूरी रही हो, तो उसको बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैव टू की जगह हैड टू यूज करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन करना हो, अब डिड यू के बाद हैव टू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म रख सकते हैं। जैसे बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना, क्या आपकी मजबूरी थी कि आपको जिम्मेदारी उठानी ही पड़ी थी क्या, आप पूछोगे डिड यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहोगे यस सर आई हैड टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहां पे हैड टू क्यों यूज किया, आपको जैसे पता है कि जब जब पास्ट की बात होती है हम एक्शन की सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और हैव टू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड टू। आप कहेंगे यस सर आई हैड टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको मना करना है कि सर नहीं मेरी मजबूरी नहीं थी, मुझे जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ी या नहीं लेनी पड़ी, तो आप कहेंगे सर नो सर आई डिड नॉट हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात का ध्यान रखें कि पास्ट के लिए हैड टू के साथ हम किसी भी सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दूसरा हम नहीं लगाते, ओनली एंड ओनली हम हैड टू का ही यूज़ करते हैं। अब अगर हम फ्यूचर कंपल्शन की, यस सर अगर पास्ट में मजबूरी थी प्रेजेंट में मजबूरी है, तो ऐसा भी है ना सर फ्यूचर में भी मजबूरी रहेगी। जब जब आपको फ्यूचर में कोई कंपल्शन हो, यानी कंपल्शन उसके बारे में बात कर रहे हो, तब तब आप विल हैव टू का यूज करें। जी हाँ दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें कि आई और वी के साथ हम शैल हैव टू का यूज करते हैं ग्रामेटिकली वे में, लेकिन स्पोकन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर हम हमेशा विल हैव टू का ही यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। तो आप इस बात का भी याद रखें, और इस बात को अगर कंपिटेटिव एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप हमेशा आई और वी के साथ शैल हैव टू का ही यूज करें। जैसे आप पूछोगे सर क्या उस लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी क्या, उसके घर में काम तो करने वाला है नहीं कोई, क्या उस लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी क्या, आप कहेंगे सर विल ही हैव टू गेट मैरिड, मैं बोलूंगा यस ही विल हैव टू गेट मैरिड। अगर नहीं करनी पड़ेगी तो आप सभी को बताया कि विल के साथ नॉट लगने से वॉन्ट बनता है, आप कहेंगे नो सर ही वॉन्ट हैव टू गेट मैरिड। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरी बात, आई वी के साथ हमेशा शैल हैव टू का यूज करें, और जो दूसरे जितने भी सब्जेक्ट रह जाते हैं उनके साथ आप विल हैव टू का यूज करें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हैव टू को दूसरे तरीके से भी हम कहते हैं हाफ्टा। अब हाफ्टा क्या होता है दोस्तों, स्लैंग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि स्लैंग क्या होता है। स्लैंग ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ बोलने में ही काम में आते हैं, लिखने में टोटली रॉन्ग है, आप इसको लिखने में यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये इनफॉर्मल वे में ही यूज किए जाते हैं, कभी भी फॉर्मल वे में यूज नहीं किए जाते। जैसे आपका अगर कहना हो तो आप कहेंगे हैव टू की जगह हाफ्टा लग के कहेंगे डू यू हाफ्टा टॉलरेट फॉल लैंग्वेज, यानी आपको बुरी गंदी भाषा सहनी ही पड़ती है क्या, आप कहोगे डू यू हैव टू टॉलरेट फॉल लैंग्वेज, मैं कहूंगा यस आई हैव टू की जगह हाफ्टा यूज करेंगे, आई हाफ्टा टॉलरेट फॉल लैंग्वेज। अगर मुझे नहीं करनी पड़ती तो आई डोंट हाफ्टा टॉलरेट फॉल लैंग्वेज। इसका बात का ध्यान रखें कि हाफ्टा हमेशा स्पीकिंग के अंदर ही यूज करते हैं, लिखने में टोटली रॉन्ग होता है। अगर थर्ड पर्सन की बात करें, आप कहेंगे सर डज ही हाफ्टा टॉलरेट फॉल लैंग्वेज, क्या उस लड़के को गंदी भाषा या बुरी भाषा सहनी पड़ती है क्या,
मैं कहूँगा यस, तो तब आप हाफ्टा का यूज़ ना करेंगे, आप यहाँ पे हैज़ टू का ही यूज़ करेंगे। आप कहेंगे सर यस ही हैज़ टू टॉलरेट फॉल लैंग्वेज, अगर नहीं करनी पड़ती है तो ही डज़ नॉट हाफ्टा टॉलरेट फॉल लैंग्वेज। अब हाफ्टा इसलिए यूज़ किया क्योंकि डज़ के साथ हमने पहले ही एस आर ई एस का यूज़ कर दिया है। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप सभी को ये लेसन शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि कभी भी हमें कंपल्शन के बारे में, कोई काम मजबूरी में, कोई काम फोर्सफुली से हमें करना पड़ता है या करवाना पड़ता है, तब हम हैड टू का यूज़ करें और हैज़ टू का यूज़ करके हम बता सकते हैं। पास्ट के अंदर कोई कंपल्शन रहती है तो हैड टू का यूज़ करें और डिड से आप क्वेश्चन करें। अगर फ्यूचर में अगर आपको कंपल्शन रहती है, आप विल हैव टू से यूज करके आप उसके बारे में बता सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये सेशन, ये जो कंपल्शन वाला जो टॉपिक था, सही तरीके से आपकी कंपल्शन दूर हो गई होगी। अगर वाकया ही सच में आपको इन वीडियोस की समझ में आती है तो क्या मुझे आप इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि क्या आपकी क्या कंपल्शन है, आपको क्या करना पड़ता है। जरूर अपनी कंपल्शन एक मुझे बताएं ताकि मुझे भी पता लग पाए कि क्या आपको ये टॉपिक सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।